गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश गंगवार आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम सभी अध्याय 6 जिसका नाम है सिंधबाद की यात्रा के प्रश्न उत्तर और एक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, सिंधबाद कौन था, वह कहाँ रहता था? इसका उत्तर आएगा, सिंधबाद एक व्यापारी था जो बगदाद शहर में रहता था। कहाँ रहता था? बगदाद शहर में। प्रश्न 2, सिंधबाद माल बेचने के लिए जिस टापू पर पहुंचा वह कैसा था? इसका उत्तर, उस टापू का वातावरण सुहावना तथा चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे। कैसा था उस टापू का वातावरण? टापू का वातावरण बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छा था और चारों तरफ क्या थे? वृक्ष थे, छायादार वृक्ष थे और उन पर फल भी लगे हुए थे। प्रश्न 3, आँख खुलने पर सिंधबाद ने क्या देखा? इसका उत्तर आएगा, आँख खुलने पर सिंधबाद ने देखा कि वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला है और उसके साथ ही जहाज के साथ टापू से जा चुके हैं। सिंधबाद अपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था सिंधबाद ने जब उस टापू पर पहुंचा और उसने बहुत सा आराम करके फल खा के फिर क्या वह सो गया और वो इतनी गहरी निंद्रा में सो गया था, उसे कुछ किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं था। जब वो सो के उठा तो उसने क्या देखा कि जो उसके साथी थे वो जा चुके हैं टापू से और साथ में जो जहाज़ था वो भी ले गए थे और वो टापू पर क्या था, बिल्कुल अब अकेला रह गया था। प्रश्न नंबर 4, सिंधबाद ने टापू से निकलने का क्या उपाय अपनाया? जब उसने देखा था कि वह अकेला रह गया तो वह घबराया नहीं, बल्कि उसने क्या किया? इसका उत्तर जानिए, सिंधबाद ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी पीठ पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। फिर उसने क्या किया था? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वह घबराया नहीं और उसने क्या किया, अपनी पीठ पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। क्यों बैठा था? कि अगर वह चट्टान पर बैठेगा तो बड़ा सा विशालकाय पक्षी आएगा और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा और जहाँ पर व्यापारी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे पक्षी का, वहीं पर उसे उठाकर फेंक देगा। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। पहला आपको पर्यायवाची लिखना है और 3-3 लिखना है। पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। भवन का क्या होगा? गृह, आवास, सदन। भवन को हम क्या क्या कह सकते हैं? गृह, आवास और सदन। वृक्ष को पर्यायवाची तरु, पेड़, वृटम। पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, गिरी, नग। अर्थात पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, गिरी भी और नग भी। समुद्र को जलग, सागर, रत्नाकर। और पक्षी का पर्यायवाची पंछी, खग और बिह। ध्यान रखना, जब भी हम पंछी लिखते हैं तो उस पर पापर बिंदी लगाते हैं, अगर पक्षी लिखते हैं तो पापर बिंदी नहीं लगाते हैं। ओके, धन्यवाद।